Hello and welcome to the channel. Today's recipe is atta biscuit. ये biscuit बनाना बहुत ही simple है और बहुत कम ingredient में बनकर तैयार हो जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हमें चाहिए whole wheat flour, मतलब आटा, जो रोटी का आटा होता है वही लिया है simple. तो मैंने यहाँ पर एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लिया है. और इसके बाद अब हम इसमें आधा कप बेसन डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सीव कर लेंगे, छान लेंगे. इसके बाद अब हम इसमें एक कटोरी शुगर डालेंगे और शुगर को भी अच्छे से छान लेंगे. छानने से जो कुकीज़ है वो बहुत ही क्रंची और अच्छी बनती हैं, फूलती हैं, तो इसलिए छानना बहुत ज़रूरी है. और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें सॉफ्ट बटर डालेंगे. मेल्टेड बटर नहीं डालना है, जस्ट रूम टेम्परेचर पर बटर लेना है. इसके बाद हम फ्लेवर के लिए इसमें वनीला एसेंस डालेंगे. तो जस्ट 2 से 3 ड्रॉप डाली है मैंने. आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या आप कोई फ्लेवर नहीं चाहते तो नहीं डालें. अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथों से. तो बस ऐसा चेक करें कि ये एक तरह का डो बन जाए. और इसके बाद इस तरह से सिंपल गोल शेप में, राउंड शेप में हम कुकीज़ बनाकर रेडी कर लेंगे. और आप चाहें तो आपकी पसंद से कैसे भी शेप की कुकीज़ बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाई है स्क्वायर शेप की. और इसके ऊपर अगर आप कोई एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो इस तरह से जो नाइफ़ है उसके बैक साइड से आप इस तरह से एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो भी अच्छी लगती है. अब हम प्री हीट कढ़ाई लेंगे, जिसे मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया है. और ये कुकीज़ इसमें रख देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए. अब जो ये स्क्वायर शेप की कुकीज़ बनाई थी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मिल्क स्प्रेड करूँगी, ताकि मैं इसके ऊपर जो शुगर स्प्रिंकल करूँगी वो अच्छे से इसमें चिपक जाए. तो इस तरह से सारी कुकीज़ पर हम शुगर डाल लेंगे और इसको भी बेक कर लेंगे. अब 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में ये कुकीज़ बनकर रेडी हो गई है. इसी तरह से मेरी बाकी की सारी कुकीज़ बनकर रेडी हो गई है. तो ये देखिए, मैं आपको तोड़कर बताती हूँ इसके अंदर का टेक्सचर. ये बहुत ही परफेक्ट बेक हुई है. तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.